अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी थोड़ी तबीयत सही है मेरी, बाकी तो भी ट्रीटमेंट चल रही है मेरी। तो बाकी आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। बकरा ईद आ गई, पता नहीं चला, छोटी ईद गई पता ना चली, बकरा ईद आ गई। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा न्यू हेयर स्टाइल, तो जो है ना मैंने कहा वीडियो बनाऊँ मगर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था मेरे पास, तो इसलिए मैंने हेयर कटिंग करवा ली है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी हेयर कटिंग कैसी हुई है। तो और मैंने आईब्रोज भी बनवा लिए हैं और आईब्रोज में इस दफ़ा मैंने कट लगवाया है, देखे तो ये भी मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बाकी अभी तो हम लोग मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी लगाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, सोच रहे हैं क्योंकि मेरी दोस्त भी आई हुई है, मैं अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी जो मुझे मेहंदी भी लगाएगी, तो उस दोस्त से भी आप लोग को मिलाऊंगी। तो तब तक के लिए वेट। ये देखिए ये मेरी सिस्टर है और जो है ना ये मेरी दोस्त खुशी, खुशी हाय, ये मेरी सिस्टर है। तो ये मेहंदी लगवा रहे हैं, इनका मेहंदी का टाइम है, ये मेहंदी लगवा लेंगे तो फिर मैं मेहंदी लगवाऊंगी खुशी से। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ी सी टिकटॉक वीडियोज़ बनाएंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बाहर इंजॉय करने के लिए जाएंगे। तो देखिए अभी ये मेहंदी लगवा रहे हैं, तो मेहंदी देखिए, मेहंदी देखिए सर की मेहंदी डन हो गई है, डन 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 डन। अब मैं जो है अपनी मेहंदी लगाऊंगी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। देखिए मेरी मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है और अब देखते हैं मेरी मेहंदी कैसी लगाती है मेरी दोस्त। जिगर मेरा खुशी, अच्छी नहीं लगी ना यही मुँह तेरे मुँह पे लगाऊंगी। क्यों ने दे रहा थे? नहीं मैंने बोल दिया ना ये मेहंदी अच्छी नहीं लगी, मैं तुम्हारे मुँह पे छापूंगी। तू शादी पे अच्छी नहीं लगाई थी? लगाई थी, अच्छी लगाई थी। यकीन तो है आपके ऊपर, अपनी जान से ज्यादा यकीन है जाने मन। इसको बोलते सीन की किताब। देखे मेहंदी लग रही है मेरी, देखे ओ चल बेटा। तो आप लोग देखे मेरी मेहंदी और मेरे मेहंदी का कलर देखे, मेरे को बताइएगा मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया है और कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। बाकी मेहंदी मेहंदी तो लग चुकी है और हम रेडी भी हो गए हैं, तो दिन में ही मैंने सारे काम कर लिए। अभी देखो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे अपने कज़न के साथ, तो अब वो मेरा कज़न कब आए और कब लेके जाए, तो तब तक के लिए मैं अपने अंकल से और आपको अपने कज़न से भी मिलवाती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, उसके बाद फिर चांद रात खत्म, फिर ईद स्टार्ट। अभी जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरी दोस्त भी चली गई है और मैं आप लोगों से अपनी केक से मिलवाती हूँ। और ये हमारी कोको है, हमारी कोको से मिलो। कोको कोको नाराज़ है मुझसे, चले अब अंदर चलते हैं हम लोग। हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। फ्रेंड्स अभी रात हो चुकी है और मैं आप लोगों से बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जो है ना मेहमान आ गए थे, फिर उनके लिए खाना वाना बना रही थी तो बिजी थी, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर। कज़न आ गया है और सिस्टर भी रेडी है, सब लोग गाड़ी पर जाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Yeah.
हम लोग बाहर आ गए हैं, तो अभी हम लोग जो है ना मकैनिक के पास खड़े हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम जा रहे हैं कोटरी। कोटरी काम है भाई को, तो अभी देखते हैं फिर कोटरी जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा देखते क्या करते, कुछ खाएंगे लिखिए फिर। अब मैंने बताया था कि हम कोटरी जा रहे हैं भाई के को काम से, तो हम लोगों को काम कर लिया। उसके बाद अंकल आ चुके हैं, ये देखो अंकल हमारे। हाय अंकल। ये मेरी सिस्टर शर्मीली, मेरी सिस्टर बेचारी आती नहीं है बहुत ज़्यादा। देखे हम लोग थोड़ा सा बाहर आउटिंग करने आए, अभी कुछ खाने लगे, देखे दादा क्या लाता है। बोरियत तो हो रही है सीट पे। याद है वो जब हॉस्पिटल से आ रहे थे दरिया से? क्या बात हो रही थी मेरे लिए, किसको देखा था मेरे लिए, अब बताएं भाई। इन्होंने मेरे लिए ना एक मेरे ना मेरा बुढ़ापा देखा था, तो आप लोगों को बताएंगे मेरा बुढ़ापा कैसा था। तो अंकल बताइएगा मेरा बुढ़ापा कैसा था? बुढ़ापा तो बिल्कुल आप जैसे था। अच्छा, तो आपके बाल भी काले? अच्छा, एक बात हाँ, मेरे एक्सीडेंट में टूटे हैं ना बेचारी मेरे दांत। आप सोने का दांत लगवा लें इंशाल्लाह। इनके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और देखिए इनको भी चोटें लगी हैं। इनके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और फिर मैं भी इनके साथ ही घूम रही हूँ। तो बस मैं दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और आप सबको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखिए। और अभी हम लोग जो है ना बिरयानी खाने लगे थे, फिर मैंने सोचा घर बिरयानी घर जाके खाऊंगी, अभी हम लोग खाएंगे रोल। तो ये देखिए हम यहाँ पर खाएंगे रोल। भूख लगी है, कज़न गया है कुछ लेने के लिए, अभी हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना हमारे अंकल आएंगे, तो अंकल के साथ फिर हम लोग जो है ना कोटरी जाएंगे। जी कज़न आ रहा है मेरा। देखिए इनके रोल आ चुके हैं, और देखो ये कितने मज़े से खा रहे हैं, अभी अच्छी आ रही है। और हम बेचारे कुछ भी नहीं खा रहे, हमने बिरयानी लिए और मेरी फेवरेट कॉक, हम घर जाके एंजॉय करेंगे ये। और ये देखो, और इनको देखो, ओ वाओ यमी दिखा बाबा। ये आप देखें, ये मैं टिका भी खिला रहा हूँ, वो नजर नहीं आ रहा आपको? यमी ये नहीं खाता यार, वो मेरे ज़्यादा खाता। मैं पापा भी खाना खा के तो मैं घर से आया था, मैं बोल ही रही मैडम, मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। इंजॉय कर रहे हैं ये लोग, आप भी करें। तो ये गाने कैसे चलेंगे? भाई रश देखो। घर जा रहे हैं। हमारा घर आ गया, हमारा घर आ गया, घर आ गया हमारा घर। आप लोग घर जाके मिलते हैं, बाय बाय। देखें इसकी हालत। हम लोग खाएंगे बिरयानी विद कॉक, माय फेवरेट डिश। मैं खाना खाने लगी हूँ, खाना खाते हैं, फिर उसके इंशाल्लाह फिर आप लोगों को इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे ईद के। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप लोग को फिर से चांद रात मुबारक हो। इंजॉय कीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।